ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, वेद पुराणों में वर्णित है कि शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं। भगवान शिव का न कोई आदि है और न कोई अंत। आपने वेद पुराणों के माध्यम से भगवान शिव की अनेकानेक गाथाएं सुनी होंगी भक्तों, परंतु आज मैं उन्हीं जटाधारी, गंगाधारी और औघड़नाथ शिव भोले की ऐसी कुछ गाथाएं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिससे आप सबका यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा कि मात्र एक लोटा गंगा जल अर्पण करने से प्रसन्न हो जाने वाले सदाशिव जैसा दानवीर और कोई नहीं है। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, शिव शंकर भगवान की। असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, शिव शंकर भगवान की। असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। भक्त जनों, पहली कथा दैत्यराज भस्मासुर की सुनाता हूं। भस्मासुर ने अपनी अनन्य भक्ति और हठ योग से शिव भोलेनाथ को प्रसन्न किया और वरदान में यह वर मांगा कि वो जिसके शीश पर हाथ धरे वो तत्काल भस्म हो जाए। जैसे ही भोलेनाथ ने तथास्तु कहा, वो पापी वरदान की सत्यता जानने हेतु भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखने को तत्पर होने लगा और उन्हें भस्म करने उनके पीछे पीछे भागा। तीनों लोकों के आराध्य भगवान भोलेनाथ आज स्वयं अपने प्राणों की रक्षा हेतु आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे दैत्य भाग रहा है। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। पीछे पीछे भागा पापी, आगे शिव जी भाग रहे। सृष्टि के हरता देखो, स्वयं मृत्यु से कांप रहे। भागते भागते विष्णु लोक में शिव शंकर देखो आए। हे विष्णु, प्राणों को बचाओ, शिव शंकर ये बतलाए, कैसे विष्णु जी ने की थी। हाँ, कैसे विष्णु जी ने की थी रक्षा शिव के प्राण की। असुरों को भी जो वर देते ऐसे करुणा निधान की, ऐसे दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, शिव शंकर भगवान की। असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। शिव शंकर के आवाहन पर श्री हरि ने योग निद्रा को त्यागा और तत्काल प्रभाव से मोहिनी का रूप धारण किया और असुर के सन्मुख पहुंच गए। काम आंध होकर ज्यों ही असुर मोहिनी की ओर लपका, तो मोहिनी बने विष्णु जी ने कहा कि पहले तुम्हें मेरे साथ साथ नृत्य करना होगा। जैसे जैसे मैं नाचती जाऊं, तुम भी वैसे वैसे
मेरे साथ नाचते जाना, और मोहवश मोहिनी की ताल पर असुर ताता थैया कर नाचने लगा। जैसे जैसे मोहिनी नाचती, भस्मासुर अनुसरण करता जाता, और जैसे ही मोहिनी ने नाचते नाचते अपने स्वयं के सिर पर हाथ धरा, राक्षस ने भी ऐसा ही कर दिया, और भगवान शिव के वरदान स्वरूप वो तत्काल भस्म हो गया। इस तरह मोहिनी रूप में श्री हरि विष्णु ने शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी। जैसे जैसे मोहिनी नाचे असुर भी नाचता जाता था, भस्मासुर तो मोहिनी की ताल से ताल मिलाता था। मोहिनी ने नाचते नाचते अपने सिर पर हाथ रखा, राक्षस ने भी मोहिनी का भक्तों फिर अनुसरण किया, भस्म हो गया राक्षस पल में। हाँ भस्म हो गया राक्षस पल में, बलि चढ़ाई प्राण की, असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शिव शंकर भगवान की, असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। दूसरी कथा का प्रसंग इस प्रकार से है भक्तों। एक बार माँ पार्वती भोलेनाथ से शिकायत करते हुए कहती हैं कि लक्ष्मी और ब्रह्माणी तो स्वर्ण के बने महलों में रहती हैं, और मैं इस कैलाश पर्वत पर, मुझे भी एक अच्छा सा सोने का बना हुआ महल चाहिए। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, परंतु माँ गौरा नहीं मानी भक्तों। गौरा की हट के आगे विवश भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वो ऐसी एक स्वर्ण की नगरी बनाए जिसका तोड़ तीनों लोकों में ना हो। भगवान शिव के आदेश की देरी थी कि विश्वकर्मा ने स्वर्ण की ऐसी ही नगरी निर्मित कर दी। माँ पार्वती ने जब उस नगरी को देखा तो अति प्रसन्न हो गई। मैं सबसे सुंदर ऐसी नगरी बनवाई, नगरी देखी गौरा ने तो मन ही मन वो हर्षाई। गृह प्रवेश की खातिर कोई पंडित भोले बुलवाओ, यज्ञ हवन और पूजा अर्चन हे शिव शंकर करवाओ। सबने अनुशंसा की भक्तों, हाँ सबने अनुशंसा की भक्तों, फिर रावण के नाम की, असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शिव शंकर भगवान की, असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। हाँ आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। सभी ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने शिव शंकर को यही बताया कि भगवान रावण जैसा प्रकांड पंडित तीनों लोकों में नहीं है, अतः उसी को गृह प्रवेश के पूजन पर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा ही हुआ भक्तों, रावण को पूजन हेतु बुलवाया गया, और रावण ने भी पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश का पूजन अर्चन संपन्न करवाया। परंतु इतनी सुंदर स्वर्ण से बनी नगरी को देखकर उसके हृदय में लालच आ गया, और उसने
भोलेनाथ से यही स्वर्ण नगरी दक्षिणा स्वरूप मांग ली। दानियों के दानी देवाधिदेव भोलेनाथ ने बिना सोचे विचारे उसे तथास्तु कहकर स्वर्ण से निर्मित नगरी उसके हाथों में सौंप दी। हाँ, वही स्वर्ण नगरी जो उन्होंने मां गौरा हेतु बनवाई थी। एक ही पल में रावण को दक्षिणा स्वरूप वो नगरी दान में दे दी। एक पल को ना देर लगाई दान में लंका दे डाली। आप फकीरी हाल रहे और सबको देते खुशहाली। स्वर्ण की नगरी देखो रावण फिर अपने घर ले आया। पापी था पर शिव शंकर का भक्त परम वो कहलाया। वेद पुराण भी कहते गाथा, हाँ वेद पुराण भी कहते गाथा शिव शंकर के दान की। असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शिव शंकर भगवान की। असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। भक्तजनों, भोलेनाथ की लीलाओं और कथाओं से तो वेद पुराण पटे पड़े हैं। जैसे सागर मंथन के समय विषपान करना हो और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान तथा विष्णु जी को महालक्ष्मी प्रदान करना हो, ताड़कासुर जालंधर जैसे अनेकानेक असुरों ने भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनसे अभय वरदान प्राप्त किए हैं, तो फिर भोलेनाथ जो असुरों को भी वर देते हैं क्या आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे? भक्तों अवश्य होंगे। कैसे होंगे आइए आपको बतलाता हूं। एक लोटा गंगा जल संग में दूध दही घी ले आना। चंदन तिलक लगा पिंडी पर बेल पत्र अर्पित करना। बस इतनी सी भक्ति पर शिव भोले खुश हैं हो जाते। भक्तों के भंडार वो भोले अपनी कृपा से भर जाते। व्यर्थ जन्म न गवाओ भक्तों, हाँ व्यर्थ जन्म न गवाओ भक्तों। आई घड़ी गुणगान की, असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शिव शंकर भगवान की। असुरों को भी जो वर देते ऐसे दया निधान की, ऐसे दया निधान की। हाँ आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं।